हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको लाइट रूम से फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहां से फ़ोटो ऐड कर लेना है और एक प्रीसेट है जो उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो आप इस फ़ोटो को है यहां पर आप देख सकते हो कलर वाला ऑप्शन, नीचे सनलाइट जैसा ऑप्शन, उस पर आपको थोड़ा हाईलाइट को थोड़ा कम, शेडो को थोड़ा ज़्यादा, वाइट को थोड़ा ज़्यादा और ब्लैक को थोड़ा कम, सेटिंग्स ठीक ढंग से देखिएगा तो आपको फ़ोटो एडिटिंग सीख जाएंगे। उसके बाद उसके नीचे वाले में आना है और वहाँ पर वाइब्रेंस को थोड़ा ज़्यादा, सेचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा करके मिक्स में जाना है आपको। ऊपर में देख सकते हो मिक्स, मिक्स में जाने के बाद आपको ग्रीन वाले में आना है क्योंकि बैकग्राउंड जो है आपका ग्रीन है। तो ग्रीन वाले में जाने के बाद ह्यू को थोड़ा कम, सेचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा, पीले में जाने के बाद ह्यू को थोड़ा कम और सेचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा। और उसके बाद आप देख सकते हो चेहरा भी पीला हो चुका है, उसके लिए रेड वाले में जाइए और सेचुरेशन को थोड़ा कम और ल्यूमिनेंस को थोड़ा ज़्यादा करके आपका जितना भी वाइट चाहिए वो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है रेड वाले में जाके ह्यू को थोड़ा कम और सेचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पर आप ये करने के बाद आपको आना है ब्लू वाले में, और ब्लू वाले में वो भी वही करना है ह्यू को थोड़ा कम, सेचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा, और आसमानी वाले में भी ह्यू को थोड़ा कम और सेचुरेशन वाले को थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, जो स्क्वायर वाला आप देख रहे हैं स्क्वायर में आना है। स्क्वायर में आने के बाद आपको यहाँ पर विग्निटी को थोड़ा कम और क्लैरिटी को थोड़ा ज़्यादा, और उसके बाद क्लैरिटी को थोड़ा और बढ़ा दीजिए जितना आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अब ये करने के बाद अब इस फोटो को कर लीजिए सेव, थ्री डॉट्स में क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लीजिए। उसके बाद ये जब होने हो जाएगा, अभी मेरा हो रहा है और ये मेरा हो चुका है, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर से कट कीजिए और इस फोटो कर दीजिए यहाँ से डिलीट, क्योंकि ये आपका डिवाइस में जा चुका है। अभी फ़ोटो नहीं हुआ है अच्छे से एडिट, अभी और बाकी है तो पूरा देखते रहें। उसके बाद इस फोटो को कीजिए एडिट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए कॉपी सेटिंग और यहाँ टिक के निशान पर क्लिक कीजिए, ये सेटिंग कॉपी हो चुका है। अब यहाँ से कीजिए कट और यहाँ से उस फोटो को फिर से यहाँ पर ऐड कर लीजिए जिस फोटो को आपने एडिट किया था, यहाँ से ऐड कर लीजिए और इस फोटो को कीजिए ओपन। अब ओपन करने के बाद ये थ्री डॉट में क्लिक कीजिए और थ्री डॉट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कीजिए पेस्ट सेटिंग। यहाँ पेस्ट सेटिंग करने के बाद देख सकते हैं पूरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आना है आप लोगों को ये सनलाइट जैसा ऑप्शन, सनलाइट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाले में जाना है, थोड़ा सा सिर्फ एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देना है थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद आना है आपको थोड़े सनलाइट वाले से नीचे वाले ऑप्शन में, कलर वाले ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पर करना है वाइब्रेंस को थोड़ा ज़्यादा, सेचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद आना है मिक्स में, अब जाना है मिक्स में आप लोगों को, उसके बाद जाना है मिक्स में और आना है ब्लू में और ह्यू को थोड़ा कम, सेचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा, और आसमानी में भी आके स्काई ब्लू में भी आके ह्यू को थोड़ा कम और सेचुरेशन को थोड़ा ज़्यादा। अब जो है चेहरा भी थोड़ा पीला पीला हो चुका है, इसलिए पीले में आकर रेड वाले में आकर थोड़ा सा यहाँ पर इस रेड वाले में या पीले वाले में जो है अपना सेचुरेशन को थोड़ा कम और ल्यूमिनेंस को थोड़ा ज़्यादा करके ये जो फेस है उसको गोरा कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर डन कर दीजिए। डन करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाइए स्क्वायर वाले में। उसके बाद यहाँ पर विग्निटी को थोड़ा कम और क्लैरिटी को थोड़ा ज़्यादा करके थोड़ा सा विग्निटी को थोड़ा और बढ़ा दिए थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पर ये करने के बाद आपको जाना है ट्रायंगल वाले ऑप्शन में, ट्रायंगल वाले में, और यहाँ पर आपको कर देना है शार्पनिंग को थोड़ा ज़्यादा और नॉइज़ रिडक्शन को थोड़ा ज़्यादा, और नीचे आकर कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी थोड़ा ज़्यादा कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बचा हुआ है, अब इस फोटो को करना है हम लोगों को सेव, थ्री डॉट्स में जाइए और फोटो को कर लीजिए सेव। अब ये फोटो मेरा सेव हो रहा है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो रहा होगा इंपॉर्टेंट रहा होगा। सो मैं समझ सकता हूँ आप लोग एडिटिंग समझ गए होगा, अगर नहीं समझे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।